का एक कण भी अगर खाने की चीजों में मिल जाए तो सारा मजा किरकिरा हो जाता है। अगर दुर्गंध का एक कण भी वातावरण में आ जाए तो सारे वातावरण को विषाक्त और दुर्गंधमय कर देता है। यही स्थिति हमारी अपने परिणामों की कलुषता या कषाई की है। हमारे भीतर द्वेष और घृणा के भाव हैं, हमारे अनचाहे हमारे संस्कार वश जो आते चले जाते हैं, वे ठीक ऐसा ही वातावरण को दुर्गंधित करते होंगे जैसे कि हवा में एक दुर्गंध का कण आ जावे तो सारे वातावरण को विषाक्त कर देता है, या कि खाने में एक रेत का कण आ जाए तो खाने के मजा को किरकिरा कर देता है। नीम तो कड़वी ही होती है भैया, लेकिन ध्यान रखना कि नीम का बीज भी कड़वा होता है। ये जो भी हमारे अंदर अशुभ परिणाम होते हैं वे तो अशुभ हैं ही, लेकिन उन अशुभ परिणामों का जो बीज हमारे भीतर जो कषाएं पड़ी हुई हैं वे भी ठीक ऐसी ही हैं। अगर हम किसी से गाली सुनना पसंद नहीं करते तो हमारा फर्ज है कि हम भी अब गाली देना बंद करें। अगर हम किसी से अपने जीवन में दुख नहीं पाना चाहते तो हमारा फर्ज है कि हम भी दूसरे को दुख देना बंद करें। और आचार्य भगवंत इसी स्टाइल में ये लिखते हैं कि यदि हम आगे कर्म नहीं बांधना चाहते तो हम कषाय करना बंद कर दें। जिन्हें कर्म ने बांधना हो ते कषाय ने करें। जो दुख नहीं चाहते वे दूसरे को दुख देना बंद करें। ठीक इसी तरह जो अपने जीवन में कर्मों का बंधन नहीं चाहते, जो संसार से मुक्त होना चाहते, उनके लिए आचार्यों ने एक ही बात लिखी कि वे कषाय ना करें। कषाय की तासीर है कि वो हमें अपने आपे में नहीं रहने देती। चाहे वो कैसी भी कषाय हो, क्रोध के रूप में हमारे पास आई हो या अपना रूप बदल करके, ये कषायें इंटरचेंजेबल होती हैं और इंटरकनेक्टेड तो होती हैं। एक जगह से हिलाते हैं सब प्रभावित होता है, और इतने ही नहीं हम बहुत जल्दी इनको एक दूसरे में इंटरचेंज कर लेते हैं। ये हमें किसी भी रूप में आए, चाहे क्रोध के रूप में आए, चाहे अहंकार के रूप में आए, चाहे छल कपट करने के लिए रूप में आए, चाहे किसी चीज के प्रति हमें आसक्त करें, लोभ के रूप में आए, ये किसी भी रूप में आए, हम अपने आपे में नहीं रह पाते। सामान्य रूप से भी देखने में आता है कि जब किसी को गुस्सा आती है तो अपन कहते हैं।